नए मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने के लिए युवा मोर्चा युवा चौपाल का आयोजन कर रहा है, जहां भाजपा की विचारधारा और भाजपा सरकार के कामों से नए मतदाताओं को रूबरू करवाया जा रहा है। सिंगरौली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कहा कि पार्टी का प्रचार प्रसार और सरकारी जनहितैषी योजनाओं की जानकारी युवा चौपाल के जरिए नए मतदाताओं को दी जा रही है। उन्होंने बताया, नए मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए बृहद रूप से अभियान चलाया जाएगा। वैभव पवार ने भाजपा युवा मोर्चा के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा पदाधिकारियों को युवा नीति के बारे में बताया। वह युवा मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के बारे में प्रशिक्षण भी दिया। युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विचार को नीचे ले जाकर साथ ही साथ सरकार द्वारा किए हुए काम जिनका आम जनमानस को लाभ हुआ, ऐसी सारी बातों से युवाओं को अवगत कराने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहा है। हमने मध्य प्रदेश की धरा पर नौ मतदाता युवा चौपाल के कार्यक्रम आयोजित करने का प्रण लिया है और हम मध्य प्रदेश में आने वाली 23,000 पंचायतें और हमारे जितने भी नगरीय क्षेत्र के वार्ड हैं सभी में युवा चौपाल आयोजित कर रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10,500 से अधिक युवा चौपालों का आयोजन हो गया है। आज मेरा उस निमित्त सिंगरौली आना हुआ है, इसके बारे में अलग अलग जिलों में जाऊँगा। यहाँ से सीधी शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी और लगातार मेरा प्रवास चल रहा है, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों का प्रवास चल रहा है। हमारी युवा मोर्चा की जिले की इकाई और मंडल की इकाइयां भी युवा चौपाले का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और नौ मतदाता युवा चौपाल का एक बृहद कार्यक्रम, जिसमें हमने सुनिश्चित किया है कि जो ऐसे नौ मतदाता हैं जो पहली बार या दूसरी बार मतदान करेंगे उन लोगों को युवा चौपालों में आमंत्रित करके भारतीय जनता पार्टी के विकास से और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अवगत कराने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के प्रथम सिंगरौली आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक राजेंद्र सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सिंगरौली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।